राजस्थान की सबसे बहुप्रतीक्षित योजना कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना का डैम शनिवार दोपहर को टूट गया। इसमें न केवल करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया बल्कि पूरा प्रोजेक्ट भी पानी में डूब गया। डैम के 1 किलोमीटर दूर ही मलसीसर कस्बा है। डैम का पानी नहीं रुकने की स्थिति में मलसीसर कस्बे के डूबने की आशंका में लोगों में हड़कंप मच गया है। मलसीसर कस्बे के पास कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के पानी स्टोरेज डैम, पंप हाउस, क्लोरिंग हाउस आदि बने हुए हैं। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे बड़े वाले डैम में 9 मीटर पानी भरा हुआ था। डैम के ऊपर का पुल अचानक टूट जाने के कारण पानी बाहर आ गया और बेकाबू हो गया। पूरा पानी पंप हाउस और क्लोरिंग हाउस आदि की मशीनरी में घुस गया जिसमें प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद पानी मलसीसर कस्बे की ओर बढ़ गया जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया। डैम टूटने की सूचना पर तहसीलदार जीतू सिंह मीणा, मलसीसर थाना अधिकारी पन्नालाल गुर्जर आदि मौके पर पहुंचे। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पहले चरण में पिछले 3 माह से झुंझुनू शहर को जलापूर्ति होने लगी थी। 1-2 दिन में मलसीसर कस्बे को इससे पानी दिया जाना था मगर डैम टूट जाने के कारण अब इस प्रोजेक्ट के तहत तय समय पर पानी मिलना मुश्किल हो गया है। परियोजना के तहत मलसीसर, खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर शहर समेत 1473 गांवों को पानी दिया जाना था। गौरतलब है कि इस परियोजना का शुभारंभ जुलाई 2013 में हुआ था। इसकी लागत करीब 588 करोड़ है और इसमें 15 लाख क्यूबिक पानी की क्षमता है। फिलहाल इस पानी को रोक पाना मुश्किल है। साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही जो सामने आई उसमें बनाने में इस्तेमाल में की गई सामग्री की गुणवत्ता पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। साथ ही पैसे की बर्बादी के साथ साथ आम जन की जान से खिलवाड़ के लिए संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार हैं।